गुड आफ्टरनून फैमिली, क्या हाल चाल है? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है भैया दूज, तो आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी भैया दूज। तो भैया दूज मैं पहले ही सेलिब्रेट कर आई थी भैया के साथ, क्योंकि हम लोग वहाँ पे गए हुए थे। वो वाले व्लॉग्स मैं अब डालूंगी दिवाली व्लॉग के बाद, भैया दूज व्लॉग के बाद डालूंगी। उसके कुछ शॉर्ट्स मैं आपको इसमें दिखाऊंगी भैया दूज के, क्योंकि हम गए हुए थे ऑलरेडी भैया के घर। तो फिर मैंने कहा कि एक ही बार अब हम सेलिब्रेट कर लेते हैं, दो दिन पहले क्या बाद में क्या, प्यार होना चाहिए दिल में, तो मैं करके आ गई थी। तो अब हम आज जा रहे हैं दीदी के घर, जौली दीदी के घर, क्योंकि बिजी थे लास्ट कुछ डेज में तो हम जा नहीं पाए उनके घर, और दिवाली पे भी विश करने नहीं जा पाए। तो आज भैया दूज भी है और हम उनसे मिलने भी जा रहे हैं। तो मैं बना रही हूँ उनके लिए दही भल्ले। दही भल्ले की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ आज। ये बैटर मैंने बना लिए दही भल्ले का, ये इमली की चटनी, ये घी। अब मैं तलूंगी भल्ले, तो चले आए मैं बीच में दिखाऊंगी आपको प्लीज भल्ले की। ये बन रहे हैं भल्ले, ज्यादा शेप नहीं दे रही, टाइम नहीं है, नहीं तो मैं शेप देके बनाती हूँ। नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो शेप देके फिर आपको बताऊंगी भल्ले कैसे बनते हैं। सो फैमिली, मैं भैया दूज की जो क्लिप्स है ना, आगे वाले जो व्लॉग्स आएंगे उसी में ही डालूंगी, इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। सो भले भले बन गए हैं, मैंने चटनी वन्नी पैक कर दी है, बाकी पूरी जो फुल प्रिपरेशन होगी वो वहाँ पर होगी, जाके हाफ डन कर दिए सब कुछ। और हनुमान सिंह जी खा रहे हैं ऑमलेट, मैं भी खा रही हूँ ऑमलेट, फिर हम रेडी होते हैं। हरगुन नहा चुकी, तैयार हो रही है और हरजोत गए नहाने के लिए, तो चले मैं अंडा खा के ऑमलेट, फिर आपसे मिलते हो। ये गोगू सिंह ने बना के दिया है अंडा, ये हरमन का और ये मेरा। सो ये फैमिली नहा धो ली है, बस हरमन इज ऑलमोस्ट रेडी, गोगू रेडी हो रहे हैं, पगड़ी बांध रहे हैं, मैं भी रेडी हो रही हूँ, और हरगुन कौर भी रेडी, और ये हरमन बुला रहे हैं मम्मी मम्मी करके, अभी मैं आपको मिलवाती हूँ उससे, और हरजोत भी बस पटका बांधने जा रहा है। तो जी हरमन सिंह इज रेडी, पीछे बड़ा शोर मचाता है ये लड़का। ये दे तो बस सारा दिन यही खिलाते रहो इसको, चुप रे टेक गंदू। ये फैमिली वी आर रेडी, अब हम जा रहे हैं दीदी के घर, तो बाहर हैं बच्चे भी, मैं भी मिलवाती हूँ आपसे। अच्छा, हरगुन ने दोबारा बनाई थी रंगोली, अभी दिया नहीं जलाया इसमें, अभी हम हो रहे लेट। सिंह जी ये मस्ती में आ जाते हैं कहीं जाना हो तो, ये इनके पापा जी। चलो हेलो कर दो सबको, गोगो सिंह इधर, हेलो सिंह। ये हरमन जी बच्चे बस ये लड़ते ही रहते हैं, सारा दिन लड़ते हैं। ये देखो मेरी प्रिंसेस, ये और ये हरमन सिंह यहाँ पे ये पीछे, कितना अच्छा सजा हुआ है सारा, कितना प्यारा लग रहा है। मेरी गुग्गी सो रही है, कैसे सो रही है, कैसे दोनों दोनों, ये देखो ये दोनों दोनों सो जाते हैं, जोचिन जी और यहाँ पे गुग्गू सिंह जी। तो हम लोग पहुंच गए थे दीदी के घर, तो हरमन सिंह जी अपनी दीदी के साथ खा रहे समोसा बैठ के। तो बाकी भले की प्रिपरेशन दीदी के घर कर ली थी, दही वगैरह इसलिए रास्ते मतलब घर से नहीं करके गए थे कि फिर रास्ते में गिर जाती है, तो इसलिए तो भले बॉईल कर लिए थे मैंने, उसके बाद निचोड़ के मैंने उसको दही में डाल दिया था, और देन उसके अंदर मैंने चटनी मसाला अनार डाल दिया था और सर्व कर दिया। बच्चे चेस खेल के एंजॉय कर रहे थे, चिकन मेड बाय दीदी। बिग कन्वर्सेशन चल रही है भाइयों की दोनों की यहाँ पर। हाँ जी, दो थी बस टेंथ। अच्छा दो थी बस, अच्छा अच्छा, मुझे क्या बताऊंगी है।
फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। गुगु सिंह ने गाड़ी पार्क कर दी। वो देखो मेरा मोटा लाला वो पीछे। हर बच्चे ऊपर है, उनको उतार के फिर बेसन में आ गए थे पार्क करने के लिए। हरमन सिंह जी रो रहे हैं क्योंकि उनको स्विंग करने हैं, तो देखते हैं वो ऊपर चले गए घर पे या नहीं, तो मिलते हैं। ओके मोडू हरी ड्राइंग की ये आपने डक बाया था जी। क्या बाया आपने? चिकन। हाँ। ये आपने बाया बैलून। हाँ। ये बाया वाटर। वेरी नाइस। ओके बना के दिखाओ। ये हरमन सिंह वाला है। वेरी गुड। ये वेरी गुड। ये मम्मी ये तो थोड़ी बच्चा लगता है। ये बेबी लगता है आपको? हाँ। ओके ये चा बेबी है। ओके ये चबी भी दिखता है। ओ वाओ हरमन तो बहुत प्यारा बात है। ये नहीं चबी भी दिखता है। है? हाँ। चलो आप कर रही करो, मैं पापा को खीर डाल। नहीं ये फिर अच्छे पे आते थोड़ा। ओके बना के दिखा। या ओके या यस ये तो बैलून बन गया। नहीं ये दोनों सेम बन गया। ओ यस वेरी नाइस। जी बहुत एक्साइटेड है, ड्राइंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा अभी ड्राइंग करना सीख गया थोड़ी बहुत हरमन के साथ बैठ के। तो गोगू सिंह ने खानी है खीर, दीदी ने स्वीट डिश हमें दे दी थी क्योंकि हमने खाई नहीं वहाँ पर, तो इनको मैं डाल के दे देती हूँ। आ जाए तो ये रही खीर, गोगू को डाल के दे देते हैं, वो भी दिखाती हूँ एक मिनट। तो ये डल गई खीर। ने कितनी सारी ड्राइंग करी। वेरी नाइस। ये टाइगर लगता है। टाइगर लगता है अच्छा। तो ये लाए थे हम, गए थे वहाँ रास्ते में से सामान लेना था कुछ, तो फिर हरगुन को ये बहुत पसंद है विभा की ये वाली साउथ वेस्ट ड्रेसिंग मिंट में ऑन इज। ये भी बहुत स्वाद है, वन ऑफ माय फेवरेट विभा की स्वीट चिली, मुझे बहुत पसंद है ये। तो विभा की ये वाली सॉसेजेस पहले दी थी राजू भैया ने हमें, क्योंकि उनकी शॉप थी तो उन्होंने वो क्लोज की थी, तो सारा सामान ले आए थे तो उन्होंने हमें दी थी। तो इसका टेस्ट इतना यम था ये वाली सॉसेजेस का, तो हमारे घर में ख़त्म हो गई थी, तो अभी हम फिर से लेकर आए क्योंकि इतनी स्वाद थी ना, हरगुन को भी बहुत पसंद है मुझे भी, तो इसलिए लेकर आए। हरमन बहुत एक्साइटेड हो रहा है, वो ड्राइंग कर रहा है ना, तो वो कह रहा है कि मम्मी ये देखो, मम्मी ये देखो, मम्मी ये देखो। तो एक बार मैं आपको और दिखाती हूँ हरमन को। अच्छा यहाँ पे बैठ के लग गया, यहाँ पे बैठ के इतनी सारी ड्राइंग कर दी। वो यस ओ यस ओ यस, बहुत बारा किया आपने। वेरी नाइस। जिनको लगी थी भूख तो व्हाइट सॉस पास्ता बनाया हुआ था, गरम करके लाई हूँ चोने के लिए। कौन खाएगा? कालो कालो गरम कर, ठंडा है, ठंडा करो, फूंक मार के खाना। खानी है व्हाइट सॉस पास्ता। सही फैमिली बड़ी मुश्किल से बस अभी हरमन को सुलाया, मैंने डांट के सो नहीं रहा था, 3 बज गए हैं तो उसको भूख लगी थी, दूध मांग रहा था, मैं उसको दूध देने लगी हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाला ब्लॉग अभी यहीं पर एंड कर देती हूँ क्योंकि फीलिंग स्लीपी बैडली। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, टिल आप लोग सेफ रहें, सेफ रहें, गुड नाइट, टेक केयर, सत श्री अकाल, बाय बाय बाय।